हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि देख सकते हैं हम अपना कंप्यूटर को रिपेयर करवा कर दुकान से ला चुके हैं। इसमें बहुत सारी खराबी आई थी। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें SMPS हमारा ख़राब हो गया था। SMPS को रिपेयर करवाएं, ये रिपेयर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इसने नए SMPS इसी कंपनी का लगवाया है। यह हमारे देख सकते हैं आज ही का तारीख डाला हुआ है, 27 तारीख, 6 मई 2024 का। 3 मंथ का वारंटी है। यह अपने लोकल शॉप से लगवाए हुए हैं और इसमें बूट प्रॉब्लम हो रहा था जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसको रिपेयर करवाए, कुल लागत खर्च भी हमारे इसमें 800 रुपये आ गया। 600 रुपये का SMPS और 200 रुपया इसका बूट मेनू जो था वो नहीं हो रहा था, उसके लिए वो रिपेयर किया तो उसका ले लिया। और चलिए इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ, सॉरी, इसको अपने मॉनिटर के साथ अटैच कर कर दिखाते हैं ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसको बोला कि आप दूसरी दुकान से रिपेयर करवा सकते हैं। इसे आप किसी भी 12 वोल्ट के उपकरण को यूज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके वायर में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की करंट सप्लाई के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अगर यह लोकल दूसरे शॉप पर रिपेयर हो जाएगा तो। चलिए इसको हम स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। इस कंप्यूटर को हम फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए थे और फ्लिपकार्ट वाले से हमने बात किया इसके वारंटी के बारे में। उसने कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि इसका केवल प्रोडक्ट डैमेज की वारंटी था, न कि इनके प्रोडक्ट की 1 साल की इसकी डैमेज वारंटी था। वो बोले केवल इसका जो प्रोडक्ट आपको पास डिलीवर होगा उसकी वारंटी है, अगर बाद में 1-2 मंथ के बाद ख़राब हो जाएगा उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बताते हैं। अपने मोनिटर साथ अटैच कर कर चालू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम अपना कंप्यूटर के साथ लाइन को अटैच कर चुके हैं। हम अपना UPS को ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें चैन लाइन आता है कि नहीं आता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारा मॉनिटर में लाइन आ चुका है और इसको हम यहाँ से क्लिक कर देखते हैं, हमारा CPU ऑन हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, पूरी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। थोड़ा समय लगेगा और देखिए हमें स्क्रीन आ जाएगा। हमारी सजेशन रहेगी कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी वारंटी का अच्छी तरह से पता लगा ले, या होम सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं तो खरीदने के बाद 1-2 मंथ के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसे बिना जांचे परखे वो सामान खरीदेंगे तो। जैसे कि देख सकते हैं हमको 600 रुपया लगा और इसको SMPS को बदलवाना पड़ा। आप ऐसा गलती ना करें। चलिए हम इसको फुल सेटअप कर कर आपको इसका लुक दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम अपना फुल कंप्यूटर को सेटअप कर चुके हैं और नीचे रखे हुए हैं अपना UPS स्पीकर और स्क्रीन के ऊपर है, टेबल के ऊपर स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस। चलिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे गेमिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। इस वीडियो में इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।